इस मैप को देखें, ये ऊपर वाला रूस है और ये उनके बगल में यूक्रेन है, जिन दोनों का कई दिनों से युद्ध चल रहा है। लेकिन जैसे इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब से ये जो नीचे ऑरेंज कलर में चेचन रिपब्लिक यानी चेचन्या देश है, उनके सैनिक भी पूरी तरह से इस युद्ध में कूद पड़े थे। और ये वही चेचन सैनिक है जो कभी रूस के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे और उनके अत्याचार के तले दबे हुए थे। चेचन्या के साथ रूस का खूनी संघर्ष तब शुरू हुआ जब रूस ने चेचन्या को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन आज जो तस्वीर हम देखते हैं वो बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। और जब भी हम रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में सुनते हैं, तब अक्सर रमजान कादिरोव का नाम भी सुनने में आता है। तो आखिर ये रमजान कादिरोव कौन है? साथ में ये भी सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि यह चेचन्या का इतिहास क्या है? आखिर कैसे रूस ने चेचन्या पर अपना कब्जा किया था, कब किया था और क्यों किया था? और चेचन आर्मी आज मौजूदा समय में यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों से युद्ध क्यों कर रही है? और कैसे यह सेना इतनी पावरफुल है? वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चेचन्या का इतिहास क्या है और आखिर कैसे रूस ने चेचन्या पर कब्जा किया था। इस मैप को देखें, यह है चेचन्या का मैप। लेकिन आज मौजूदा समय में चेचन्या कोई देश नहीं है, बल्कि यह रशिया का ही एक प्रोविंस है। इसे रिपब्लिक ऑफ चेचन्या कहा जाता है। जैसे आपने हांगकांग के बारे में तो सुना ही होगा, जिस तरह से हांगकांग की अपनी एक अलग कानून व्यवस्था है, उनके अपने राजनेता है और वह बिल्कुल एक अलग देश की तरह काम करते हैं। लेकिन असल में वह चाइना का ही एक हिस्सा है, उन्हें बस चाइना की तरफ से स्वायत्तता मिली हुई है। ठीक इसी तरह चेचन्या का भी अपनी ही एक अलग व्यवस्था है, लेकिन असल में वो रशिया का ही एक हिस्सा है। बस अब इतना समझ लीजिए कि चेचन्या को वहाँ के लोगों के अनुसार चलाने की स्वायत्तता उसे रूस से मिली हुई है। वैसे चेचन्या 200 साल पहले एक आजाद देश हुआ करता था। चेचन्या नॉर्थ कोकेशस के पहाड़ी क्षेत्रों में से एक है, यानी ये ज़्यादातर पहाड़ और जंगलों वाला इलाका है और यहाँ के लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। चेचन्या और रूस के खूनी संघर्ष की शुरुआत तब शुरू हुई थी जब रशियन एम्पायर अपने विरोधियों को जैसे ऑटोमन और पर्शियन साम्राज्य के साथ क्षेत्रीय संघर्ष में लगा हुआ था। और यह नॉर्थ कोकेशस तब रूस के दुश्मन और सहयोगी देशों के बीच एक बफर स्टेट का काम करता था। अब रूस दक्षिण की ओर अपना विस्तार कर रहा था और ऐसे में कोकेशस को नियंत्रण में लेना जरूरी था। लेकिन रूस को नॉर्थ कोकेशस में रहने वाली जनजातियों से एक भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ साल 1817 में शुरुआत होती है कोकेशस वॉर की। तो कोकेशस वॉर का दौर साल 1817 से लेकर साल 1864 तक चला और कोकेशस वॉर का नतीजा यह निकलता है कि रशियन एम्पायर नॉर्थ कोकेशस को अपने कब्जे में ले लेता है। नॉर्थ कोकेशस में कई सारे पहाड़ी क्षेत्र आते हैं और इन्हीं में से एक है चेचन्या, जिसे युद्ध के दौरान रशियन एम्पायर कब्जा लेता है। इसी के साथ रशिया और चेचन्या के बीच एक खूनी संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि चेचन्या एक मुस्लिम आबादी वाला देश था और वो अपने आज़ादी और पहचान किसी के हाथों में नहीं सौंप सकता था। इस कारण कोकेशस वॉर के दौरान भी कई सारे विद्रोह भी चेचन्या के लोगों की तरफ से देखे गए थे, जिसे रशियन ने बुरी तरह से कुचल कर रख दिया था, जिसमें इमाम शमिल का विद्रोह भी शामिल था, क्योंकि चेचन्या कभी भी रशियन एम्पायर का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। और यही वजह थी कि चेचन्या लड़ाकों ने रशियन पर कई सारे हमले किए और उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उस समय रशियन एक बड़ी सुपर पावर हुआ करता था और चेचन्या ऐसे समय में असहाय हो चुका था, यानी इनकी मदद करने वाला कोई नहीं था उस दौर में। और इतिहास में हुए कुछ महान लेखक जैसे लियो टॉल्स्टॉय और लारमतोप ने अपने रचनाओं में चेचन्या विद्रोह की चर्चा की हुई है, जिसमें खास तौर पर बताया गया है कि किस तरह से चेचन्या के लोगों पर रूसी ने अत्याचार किया था और उन्हें बंदी बनाकर यातनाएं दी जाती थी। तो इसके बाद चेचन्या का एक नया अध्याय तब शुरू होता है जब 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत होती है। इस समय रशिया का चेचन्या पर से प्रभाव कम हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर चेचन्या रशिया से अलग हो जाता है। लेकिन रूसी क्रांति खत्म होने के बाद एक नई पावर का जन्म होता है, जिसे हम USSR यानी सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। तो 1922 में जब सोवियत यूनियन का गठन होता है, तब USSR चेचन्या को एक बार फिर से कब्जा लेता है और 1922 से लेकर 1936 तक स्वायत्तता देते हुए चेचन्या को माउंट पीपल्स ऑफ रिपब्लिक का हिस्सा बना दिया जाता है।
जिसमें चेचन इंगुश क्षेत्र भी शामिल होते हैं। लेकिन इसके बाद जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तब एक बार फिर से रूस का चेचन्या पर से प्रभाव कम होने लगता है और ऊपर से साल 1944 के दौरान चेचन्या इंगुश क्षेत्र के निवासियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जर्मन हमलावरों की मदद की थी, यानी कि हिटलर की। इस कारण कुछ निवासियों को इन क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर साल 1957 के दौरान इन निवासियों को फिर से एकत्रित किया जाता है और एक बार फिर चेचन्या रिपब्लिक को रीएस्टैब्लिश कर लिया जाता है। हालांकि चेचन्या ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और वो किसी भी कीमत पर एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था, लेकिन रूस जैसी शक्ति का वो मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब सोवियत यूनियन कोल्ड वार के चलते कमजोर पड़ने लगा था और यही वजह थी कि सोवियत यूनियन का कई देशों में विघटन हो गया। और यही वो मौका था जब चेचन्या के लोगों को लगा कि अब वे रूस के शासन से छुटकारा पा सकते हैं और चेचन्या के लोगों ने पावर दिखाते हुए डोकु जवगाये की सत्ता को पलट दिया, जो कि रूसी समर्थक थे। और इसके तख्ता पलट के बाद चेचन्या की सत्ता में आते हैं जोखर दुयादेव, ये उनकी इमेज है। तो जोखर के सत्ता में आने के बाद चेचन्या को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। जोखर चेचन्या में एक नया शासन लागू करने में लगे हुए थे, लेकिन रूस की निगाहें अभी भी चेचन्या पर टिकी हुई थी क्योंकि रूस इतनी आसानी से चेचन्या को अपने हाथों से जाता नहीं देख सकता था। यही वजह थी कि साल 1992 में चेचन्या के आज़ाद घोषित होने के बाद साल 1994 में रूस चेचन्या पर हमला कर देता है। अब चेचन्या के लड़ाके भी अपनी पूरी ताकत के साथ रूस से भिड़ जाते हैं। रूस को चेचन लड़ाकों के साथ भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध में रूस के काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन तभी लोग तत्कालीन सरकार पर दबाव बनाने लगते हैं कि वो इस युद्ध को बंद कर दे। और यही वजह थी कि रूस को चेचन लड़ाकों के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि चेचन लड़ाके अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए जाने जाते हैं और वे पहाड़ी और जंगली इलाकों में लड़ने में ज़्यादा सक्षम हैं। और यही वजह है कि आज उनकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकों में की जाती है। तो रशिया और चेचन्या का युद्ध करीब 2 सालों तक चला था, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक और आम लोग मारे गए थे। और इस युद्ध का नतीजा ये निकलता है कि रशिया अपने घुटने टेक देता है और चेचन्या के साथ युद्ध विराम समझौते पर साइन कर देता है। और इतना ही नहीं, कुछ समय बाद रूस ने चेचन्या के ऊपर से अपने अधिकार को वापस लेकर उसे एक अलग देश की मान्यता भी दे दी थी और इस युद्ध को पहला चेचन वॉर के नाम से जाना जाता है। हालांकि विवाद यहीं पर समाप्त नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ से विरोध अभी भी बरकरार था। एक तरफ से रूस भी चेचन्या पर सैन्य ऑपरेशन जारी रखता है और दूसरी ओर जोखार की सत्ता गिरने के बाद तत्कालीन असलादेव मस्कादोव की सरकार चेचन्या में धार्मिक इस्लामिक कानून लाने की कोशिश करती है, लेकिन रूसी मौजूदगी की वजह से ये मुश्किल होता जा रहा था। फिर जब साल 1999 में रूस की सत्ता में पुतिन आया तो उन्होंने चेचन्या पर सीधे शासन करने का ऐलान कर दिया। साल 1999 से लेकर 2000 तक रूस ने चेचन्या पर कई ऑपरेशन किए और चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी को भी अपने कब्जे में ले लिया और इसे दूसरा चेचन वॉर के नाम से जाना जाता है। फिर साल 2003 में चेचन्या और रूस के बीच एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसके तहत चेचन्या के संविधान को मंजूरी दे दी गई और चेचन्या को अपने हिसाब से चलाने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी चेचन्या को रूस की तरफ से यह स्वायत्तता दी गई थी, जिसका मतलब साफ था कि चेचन्या रूस का ही एक हिस्सा रहेगा, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। फिर साल 2003 में चेचन्या में एक विवादित चुनाव हुआ, जिसमें अखमत कादिरोव की एक तरफा जीत देखी गई। ये चुनाव विवादित इसलिए था क्योंकि रूसी प्रभाव की वजह से अखमत कादिरोव के विरोध में खड़े होने वाले असलम मस्कादेव को चुनाव में खड़ा ही नहीं होने दिया, क्योंकि अखमत कादिरोव पूरी तरह से रूस के समर्थक थे, यानी रूस के इशारों पर चलने वाली कठपुतली सरकार। फिर साल 2004 के समय चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी में रूसी विजय दिवस को लेकर दिनामो फुटबॉल स्टेडियम में परेड रखी गई थी। यहाँ पर अखमत कादिरोव भी वीआईपी बैठक में शामिल हुए थे। तभी यहाँ एक सुसाइड बम विस्फोट में अखमत कादिरोव की मौत हो जाती है, जिसके बाद अखमत कादिरोव के बेटे रमजान कादिरोव उनकी तरफ से चेचन सेना का नेतृत्व करते हैं और चेचन्या के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिसके बारे में हम अक्सर न्यूज़ और मीडिया में सुनते आ रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि रमजान कादिरोव कौन है और आखिर क्यों यह रूस के कहने पर यूक्रेन में हमला कर रहे हैं, क्योंकि रमजान को चेचन्या की सत्ता
रूस की वजह से मिली हुई है। लेकिन जानकर आपको आश्चर्य होगा कि चेचन्या के कुछ सैनिक यूक्रेन से लड़ रहे हैं तो कुछ सैनिक रूस से भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भले ही रमजान कादिरोव रूस के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन चेचन्या के कुछ लोग अभी भी अपने ऊपर हुए अत्याचार को भूले नहीं है और अभी भी कई लोग रूस के तानाशाही के खिलाफ है। इसलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि रूसी विरोधी चेचन लड़ाके ही अभी यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, इसलिए तो युद्ध इतना लंबा चल गया। और रमजान कादिरोव पर यह आरोप है कि उसने चेचन्या में रहने वाले रूसी आलोचक और विरोधियों की हत्या करवाई है। जैसे साल 2004 में चेचन्या के पूर्व राष्ट्रपति की कतार की राजधानी दोहा में हत्या कर दी गई क्योंकि वो चेचन्या के समर्थन में थे। फिर साल 2006 में एक रूसी पत्रकार एना की उसी के फ्लैट के लिफ्ट में हत्या कर दी गई क्योंकि एना का सिर्फ यही कनेक्शन था कि उसने चेचन्या पर हो रहे रूसी अत्याचार पर खुलकर लिखा था। एना ने रूस के समर्थक अखमत कादिरोव और उनके बेटे रमजान कादिरोव को भी खुलकर उजागर किया और बताया कि कैसे वह रूस की कठपुतली सरकार है। इसके अलावा एना ने यह भी बताया कि कैसे चेचन्या के ऑफिशियल्स का अपहरण करके उनकी हत्या की जा रही है। इस कारण मौत से पहले एना को कई बार धमकी मिली कि वो अपने रिपोर्टिंग छोड़ दे, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया जिसकी सजा उन्हें मौत मिली। इसके अलावा असलन मस्कादो को भी रशियन सेना के द्वारा मार दिया गया था और साल 2020 में फ्रांस में एक होटल में भी एक शख्स की हत्या कर दी गई और यह शख्स भी चेचन्या के रमजान कादिरोव का आलोचक था। अब यह सब रमजान ने करवाया या नहीं ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन हर वारदात में रमजान का कनेक्शन जरूर था। मतलब जिसने भी रमजान के खिलाफ या रूस के खिलाफ बोलने की कोशिश की उनका या तो अपहरण हो गया या फिर उन्हें मार दिया गया। तो जब तक चेचन्या में रमजान सत्ता में है तब तक वो रूस का कहना मानेंगे, लेकिन भविष्य में जब कोई रूसी विरोधी नेता आएगा तब इसमें एक नया मोड जरूर आएगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।